तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस खबर की शुरुआत कवि आदम गोंडवी की इन पंक्तियों से इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ताजी तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडौरी और अनूपपुर जिले की सीमा से आई है, जहां एक शव को उफनती नर्मदा में बहाकर नदी पार करना पड़ा। वाकई ये सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। एक तरफ पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं डिंडौरी और अनूपपुर जिले की सीमा से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां नर्मदा नदी में एक शव तैरता दिखाई दिया। यह शव कहीं से बहकर नहीं आ रहा, बल्कि परिजनों और ग्रामीणों ने इसे शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए नदी में बहाया। 55 साल के विस्मत नंदा को दिल का दौरा पड़ा। वह अनूपपुर जिले के ठाड़ पथरा का रहने वाला था। चूंकि यह गांव जिले के अंतिम छोर पर है, लिहाजा लोग इलाज के लिए नजदीक के डिंडौरी जिला अस्पताल में जाते हैं। विस्मत नंदा को भी डिंडौरी जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने उनके शव को एम्बुलेंस से गांव भेजने की व्यवस्था की। मुश्किल ये थी कि डिंडौरी से उनके गांव के बीच नर्मदा नदी बहती है। बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है और उस पर पुल भी नहीं बना है। ऐसे में एम्बुलेंस शव को नर्मदा किनारे छोड़कर चली गई। शव को नदी किनारे छोड़ने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को ट्यूब पर बांधा। दो लोग ट्यूब से बंधे शव को लेकर नदी में उतरे और उफान के बीच शव को नदी पार कराई, तब कहीं जाकर विस्मत का अंतिम संस्कार किया जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि अनूपपुर जिले के ग्राम ठाड़पथरा और डिंडौरी जिला के बजाग जनपद क्षेत्र की ग्राम पथरकुचा के बीच नर्मदा नदी बहती है, जहां बाढ़ आने से अक्सर ऐसे हालात बनते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आशा नमकीन, घर घर की पसंद, मन पसंद प्रोडक्ट, नियर बाणगंगा तिराहा, वार्ड नंबर 15, शहडोल, मध्य प्रदेश। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जोगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर देवचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्ता की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्ता। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आएँ। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है। और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के, आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक, पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइस मिल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा, जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा, जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया, जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।